हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में देखेंगे जो लास्ट प्रीवियस 4 ईयर के जो बीपीएससी मेंस के पेपर हुए हैं उनमें पॉलिटी का सेक्शन, उसको हम एनालाइज करेंगे क्या ट्रेंड रहा है और इस बार के 6th बीपीएससी के लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 साल के ट्रेंड देख लेते हैं। जो बीपीएससी का जो पेपर 2 है, GS पेपर 2, उसका जो पॉलिटी है वो सेक्शन नंबर 1 है। इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें आपको 3 करना रहता है, यानी आपके पास चॉइस बहुत कम है, 4 में से 3 करने हैं। आइए शुरू करते हैं। जो 6062 का जो पहला क्वेश्चन था वो DPSP के बारे में था, है ना। क्या ये केवल मात्र पायस डिक्लेरेशन ही है, क्या इनका क्या एक्चुअल में इनका एप्लीकेशन हो रहा है, क्या ये प्रैक्टिस में कितने इंप्लीमेंट हो रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा था क्या हिंदुत्व क्या है और ये क्या सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। जो 3rd क्वेश्चन था वो प्रेशर ग्रुप के बारे में था और मेजर प्रेशर ग्रुप क्या क्या है और उनका क्या रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में। जो 4th क्वेश्चन था 60-62 में, वो गवर्नर के ऊपर था, उसकी क्या पावर है और क्या उसकी एक्चुअल पोजीशन है स्पेशली बिहार के रेफरेंस में। अगर हम 63rd की बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन था वो इलेक्शन कमीशन के बारे में था, क्या रोल है इसका फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, और जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसका क्या रोल है, क्या कैसे ये पर्पस से सर्व करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। इसके अलावा डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स, क्या जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो केवल डेवलपमेंट के नाम पे है या एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स है, स्पेशली बिहार के फ्रेंड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो 3rd क्वेश्चन था वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में था कि जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रिसेंट टाइम में, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। जो 4th क्वेश्चन था वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के बारे में था और इसके साथ साथ इन्होंने पूछा था बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और जो 4th क्वेश्चन था वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर था और मतलब क्या ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन मान लीजिए से, और इनने पूछा कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे जो जैसे स्टेट को भी कुछ परसेंट, जैसे कई स्टेट में 50-50 शेयर करना पड़ता है बर्डन, है ना। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनको 90% शेयर करना पड़ता है, तो इसलिए पूछा गया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो क्या बर्डन होती है क्या सेंटर और स्टेट के रिलेशन के ऊपर। अब बात करें 64th की, अच्छा ये चीज़ थी 63rd में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और 63rd ही ऐसा था जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्शन 1 में GS पेपर 2 के, बाकी हर साल 4-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब हम 64 देख लेते हैं। 64 में जो पहला क्वेश्चन था वो प्रीएम्बल में जो आपका सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिया हुआ है इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बताने के लिए कहा था पहले क्वेश्चन में। जो 2nd क्वेश्चन था वो था रोल ऑफ द गवर्नर, यही इसी पे आपकी बहस चल गई थी कि इन्होंने बोल दिया था क्या केवल ये पपेट है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गया था। जो 3rd क्वेश्चन था वो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर था और जो 4th क्वेश्चन था वो ये पूछता कि जो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो रखी हैं तो क्या वो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए या बिहार की पॉलिटिक्स के लिए बेन है। अब देख लेते हैं 65th में जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक हाथ से आपको फंडामेंटल राइट देता है और दूसरे हाथ से फंडामेंटल राइट ले लेता है, तो मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन था लिमिटेशन क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स की। जो 2nd क्वेश्चन था वो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में था और ये पूछा गया था क्या ये नॉन सॉवरेन बॉडी है जो कि केवल लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है। और जो 3rd क्वेश्चन था उसमें ये था कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सिस्टम है वो नेशनलिस्टिक ना होकर के इंडिविजुअलिस्टिक है। और 4th क्वेश्चन था वो ई गवर्नेंस पे था और उसमें पूछा था ई गवर्नेंस के क्या क्या प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। आइए हम देख लें 66 में इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए फंडामेंटल राइट्स DPSP ये तो पेट टॉपिक है, इन पे क्वेश्चन आना ही आना है और इसमें क्या पूछ सकते हैं इन दोनों के बीच का आपस में रिलेशन पूछ सकते हैं, है ना। और ये बोल सकते हैं कि जो DPSP है वो बेसिकली नॉन इन्फोर्सिएबल है, तो क्या इस वजह से क्या जो है DPSP सबसर्वियंट है फंडामेंटल राइट्स के, आपका विचार पूछ लेंगे। इसके अलावा पूछ लेंगे इनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन है वो पूछ सकते हैं, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ये पूछ ही चुके हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा गया था 64th में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है ना, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। इसके बाद वो पूछेंगे सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म इतना फैल रहा है तो इंडियन सेकुलरिज्म का फ्यूचर पूछ सकते हैं, है ना, इंडियन सेकुलरिज्म के क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना। वो पूछेंगे अगर UCC का इंप्लीमेंटेशन होता है तो सेकुलरिज्म क्या खतरे में आ जाएगा, है ना। ये पूछ लेंगे कि इंडियन प्लूरलिज्म जो इंडियन सिस्टम है वो प्लूरलिज्म को डिफाइन करता है इंडियन सेकुलरिज्म, और कम्युनलिज्म इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया क्योंकि इतने सारे इवेंट हुए जो कि अच्छा नहीं था देश हित के लिए। इसके अलावा RTI, RTE और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये भी एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन स्पेशली इस बार क्योंकि
कोविड की वजह से बहुत से बच्चे स्कूल से बाहर रहे, है ना। अब कई सरकारें उन्हें लैपटॉप दे रही हैं ताकि डिजिटल एजुकेशन का वहाँ तक उनके तक पहुँचे। इसका PRI स्पेशली बिहार के रेफरेंस में है, PRI से कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है वुमेन के स्टेटस पे, गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे। देखिए 65 तो पूछा था उन्होंने ई गवर्नेंस, हो सकता है इस बार ये गुड गवर्नेंस पूछ लें, है ना। और गुड गवर्नेंस में ये पूछ लें सात निश्चय, 7 निश्चय 2.0, है ना, और क्या क्या प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट लागू कर रही है। प्रेशर ग्रुप भी पूछा गया था पास्ट में, है ना, प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप पूछा जा सकता है। और क्या क्या प्रेशर ग्रुप हैं बिहार स्टेट की बात करें तो बिहार के रेफरेंस में, और उनका क्या रोल है बिहार की पॉलिटिक्स में। इसके अलावा वो फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, फेडरलिज्म के पार्ट्स में पूछ लेंगे कॉपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, कंपटेटिव फेडरलिज्म क्या है, इवन कंपटेटिव सब फेडरलिज्म क्या है ना। इसके अलावा पूछ लेंगे फिस्कल फेडरलिज्म पे आप बताइए, है ना। और अभी जो रिसेंट फ्रिक्शन आ रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में, जैसे ममता दीदी मीटिंग में नहीं आई, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं, स्पेशली कोविड के इम्पैक्ट में, है ना। इवन GST का कलेक्शन कम हुआ, इसलिए GST जो देना था वो भी कंपनसेशन स्टेट को जो देना था सेंटर वो नहीं दे पाया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, देखिए अभी बिहार इलेक्शन हुए थे 2020 में, है ना, तो रोल ऑफ कास्ट, रोल ऑफ रिलीजन, है ना, इन बिहार पॉलिटिक्स या बिहार इलेक्शन। इसके अलावा कोविड के टाइम में जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में इलेक्शन करवा दिए, है ना, उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म पूछ सकता है, या पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये पूछा सकता है, इवन कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए आजकल जुडिशरी पे भी एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अभी देखिए जुडिश कोर्ट कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इतने टेस्ट करिए, है ना, इतने लोग को ऐसे वैक्सीन लगाइए, इतने दिनों में टाइमलाइन दे दे रहा है, इतने में ये करिए, इतने में वो करिए। तो ये जुडिशियल इंथुजियाज्म है या जुडिशियल एक्टिविज्म है या ओवर एक्टिविज्म है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और नीड ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट है ना। इवन जुडिशियल के बारे में जुडिशियल रिव्यू, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं 66 मेंस के लिए, और आपको अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा आप वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू।